नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली के प्रथम अध्याय के लघुतरीय प्रश्न किए थे। आज हम प्रथम अध्याय के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। मैं इस वीडियो में उन उत्तरों को बोल रही हूँ, आप उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, जिससे आपको मात्राओं का अभ्यास होगा और आपकी लेखनी शुद्ध होगी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रथम प्रश्न है, कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? कविता के उत्तर सुनिए। कविता के माध्यम से कवि लोगों को एक दूसरे के दुखों को दूर करने व प्रेम का प्रसार करने का संदेश देना चाहते हैं। कविता के माध्यम से, एक बार प्रश्न एक का दोहरान सुने। कविता के माध्यम से कवि लोगों को एक दूसरे के दुखों को दूर करने व प्रेम का प्रसार करने का संदेश देना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। बैर भाव की दोपहरी में ताना प्रेम बिताना बंदे। बैर भाव की दोपहरी में ताना प्रेम बिताना बंदे। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव है, निम्नलिखित पंक्ति उत्तर सुनिए। निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से कवि लोगों के बैर भावना को भुलाकर, लोगों की बैर भावना को भुलाकर प्रेम रूपी चादर से ढक देना चाहते हैं। प्रेम रूपी चादर से ढक देना चाहते हैं, अर्थात सभी देशवासियों में प्रेम भावना को जगाना चाहते हैं। अब नीचे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, मैं उसको पढ़ूंगी, आप लोग प्रश्न उत्तर करें। अपना कोल करार रही यही है, हर सपना रतनारा रतनारा होगा, काली रात बीत जाएगी, कल का भोर हमारा होगा। ये कविता मैंने पहले आपको पढ़ा दी गई है। अब इसके प्रश्न, कवि कैसे सपने देखना चाहता है? कवि कैसे सपने देखना चाहता है? कवि अपने आने वाले सुखद भविष्य का सपना देखना चाहता है। काली रात से कवि का क्या आशय है? काली रात से आशय, ये जो विपदाएं वर्तमान समय में जितनी भी विपदाएं हैं, जो भी मुसीबतें हैं, वो एक काली रात के समान है और आने वाला भोर नया सवेरा लेके आएगा, अर्थात सब कुछ सुखद हो जाएगा। ये मुश्किलें, ये विपदाएं, ये सब समाप्त हो जाएंगी और हम एक खुशहाल जीवन जिएंगे। कवि कैसे भोर की आशा कर रहा है? कवि एक सुंदर और निराले सुखद भोर की आशा कर रहा है। उपरोक्त पंक्तियों में इसे विशेषण शब्द छांटने हैं। जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं, इनके अंतर्गत हमें, तो यहाँ पर विशेषण शब्द, विशेषण किसे कहते हैं एक बार मैं फिर दोहराती हूँ, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। भाषा की बात मैंने पहले वीडियो में आपसे करवा दी गई थी। यहाँ हमारा प्रथम अध्याय समाप्त होता है, अगले वीडियो में हम द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे। जब तक आप अपना सभी कार्य उत्तर पुस्तिका में करें और स्कूल के नंबर पर सब अपना कार्य सबमिट करें। धन्यवाद।